ট্যাক্স ছাড়াই অবৈধভাবে চ্যাংড়াবান্ধায় যাতায়াত করছে একাধিক ট্রাক। কোনো রকম হস্তক্ষেপ করছে না পুলিশ প্রশাসন। চ্যাংড়াবান্ধার একটি আন্তর্জাতিক আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য কেন্দ্র, এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার ট্রাক চলাফেরা করে। এই ট্রাকগুলোর মধ্যে একাংশের অভিযোগ গাড়ির ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স ফিল সহ কাগজপত্র ঠিকঠাক না থাকলেও অবাধেই চলাচল করছে। হঠাৎ কোনো রকম অঘটন ঘটে গেলে সেই দায় কে গ্রহণ করবে, উঠছে প্রশ্ন। এই নিয়ে এসডিও, বিডিও, থানাসহ বিভিন্ন আধিকারিকরা মুখ খুলতে চাননি। চ্যাংড়াবান্ধা থেকে সন্তোষ শর্মার রিপোর্ট, আমি অদিতি, সি নিউজ। নমস্কার দোস্তো, মা সন্তোষ কুমার শর্মা, আমি ভারত বাংলাদেশ কি সীমা চ্যাংড়াবান্ধা वीआईपी मोड़ पे खड़ा हूँ। চ্যাংড়াবান্ধা एक अंतर्जातिक आयात निर्यात का वाणिज्य केंद्र है। कोबत में यह है प्रदीप के नीचे अंधेरा, इसी सीमा पर बैठते हैं महकुमा शासक, इसी सीमा पर बैठते हैं बीडीओ साहब, यहाँ पे ही बैठते हैं पुलिस के एमबीआई, यहाँ पे बैठते हैं मैकली के थाना, यहाँ पे बैठते हैं एसडीपीओ, यहाँ पे बैठते हैं कस्टम के अधिकारी। इनके आंखों के नीचे जो भारत बांग्लादेश की सीमा पे जो आयात निर्यात की जो गाड़ियां जाती है, हमारे विशेष सूत्र से जो रिपोर्ट मिली है, बेसी भाग ही गाड़ियों का जो गाड़ी है उसके पूरे इनको चेक नहीं करती है। किसी का फिटनेस फेल है, किसी का टैक्स फेल है, किसी का इंश्योरेंस फेल है। ये सब गाड़ियां इस सीमा से आयात निर्यात का माल ढो के बांग्लादेश में जाती है। कोई भी समय एक बड़ा जब दुर्घटना घट जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन लेगा।